हाय एवरीवन, वेलकम टू अरीब डेरीज। आज की रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ चिकन पुलाव। चिकन पुलाव बनाना बहुत ही आसान है और ये मज़े में भी बहुत ही मज़ेदार होता है। उसके लिए इस रेसिपी का पूरा वीडियो देखिएगा। पसंद आया हो तो इसको ज़रूर अपने फ्रेंड्स से शेयर करें। चिकन पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर 1 किलो चिकन ले लिया है। इसको अच्छी तरह से वॉश कर इसका पानी हमने छान लिया है और 2 बड़े साइज के स्लाइस किए हुए ऑनियन मैंने इस्तेमाल किए हैं। साथ ही हरा मसाला, हरा धनिया, हरी मिर्च और पुदीना। और यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किए हैं टमाटर, 2 बड़े साइज के टमाटर मैंने इस्तेमाल किए हैं। और साबित गरम मसाला, इसमें दालचीनी, जीरा, लौंग और शाही जीरा मैंने इस्तेमाल किया है। और साथ ही यहाँ पर 4 छोटी इलायची हरी वाली मैंने ले ली है और 2 स्टार मैंने ले ली है और बड़ी इलायची 2 और साबित काली मिर्ची मैंने इस्तेमाल की है। और साथ ही 1 बड़ा कप जितना दही। मसालों में मैंने ले लिया है मोटा नमक 1 टेबलस्पून इस्तेमाल किया है और लाल मिर्चों का पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टेबलस्पून और ये धनिया पाउडर ये भी मैंने 1 टेबलस्पून के करीब इस्तेमाल किया है, जीरा पाउडर 1/2 टेबलस्पून और गरम मसाले का पाउडर 1/2 टेबलस्पून। अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने फ्रेश इस्तेमाल किया है, यहाँ पर ये 2 टेबलस्पून भरकर मैंने इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर मैंने चावल भिगा कर रखा है 1/2 घंटा पहले। ये बासमती राइस है, इसको अच्छे से वॉश कर आप इसको भिगाए। तो दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने 1 कप जितना ऑयल इस्तेमाल किया है और 2 टेबलस्पून के करीब असली घी मैं इसमें डाल रही हूँ और साथ ही साबित गरम मसाला जो मैंने ले लिया था उसको डाल दूंगी। इस ऑयल में मैंने ऑनियंस फ्राई कर लिए थे पहले ही और इस मसाले को जो हमने साबित मसाले डाले इसको थोड़ी देर फ्राई करेंगे हम। ये मसाले डालने से इसका भी अच्छा फ्लेवर आता है। जब ये थोड़ा फ्राई हो जाएंगे इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे स्लाइस की हुई अनियन। इसको फ्राई करेंगे अच्छी तरह से, इसका थोड़ा सा कलर चेंज होने तक, लाइट ब्राउन कलर आने तक इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए यहाँ पर इसका कलर चेंज हो चुका है और हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालकर इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। इसकी कच्ची स्मेल जाने तक इसको फ्राई करेंगे। ये हमने यहाँ पर फ्राई कर चुके हैं। इसमें मैं ऐड करूंगी क्लीन किए हुए चिकन के पीसेस और चिकन को मैं अच्छी तरह से इसमें भून लूंगी इसका कलर चेंज होने तक। यहाँ देखे इसका कलर कुछ इस तरह हो गया है। ये चिकन जब तक टेंडर नहीं हो जाता हम इसमें कुछ नहीं ऐड करेंगे, पहले अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैं मसाले, तमाम मसाले ऐड कर रही हूँ। अब ये मसाले भी डालकर हम इसको अच्छी तरह से फिर से भून लेंगे। अब इसको मीडियम फ्लेम पर ढक्कन ढककर हम ऑयल में ही इसको कुक करेंगे। और यहाँ देखिए ये अच्छी तरह से कुक हो चुका है और इसमें हम ऐड करेंगे चॉप किए हुए टमाटर। टमाटर में भी पानी होता है तो हमने पानी ऐड नहीं किया है यहाँ पर, बस इसी तरह इसको चिकन को भूनेंगे फिर से। और टमाटर भी टेंडर होनी चाहिए तो हम मीडियम फ्लेम पर ही इसको कुक करेंगे ढक्कन ढककर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टमाटर भी अच्छे से टेंडर हो चुके हैं और सारे मसालों में ये अच्छे से कुक हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पर दही ऐड करेंगे जो कि हमने 1 कप इस्तेमाल किया है और साबित हरा मसाला इसमें डाल देंगे। अब इसको दोबारा से एक बार मिक्स करेंगे। यहाँ देखिए इस तरह मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और इसको थोड़ी देर तक मीडियम फ्लेम पर रखकर ही कुक करेंगे। देखिए किस तरह ये कुक हो चुका है। अभी इस वक्त मैं ऐड करूंगी इसमें पानी जो कि 1.5 कप मैं पानी इस्तेमाल कर रही हूँ, इसमें ऐड कर दूंगी और एक बार मिक्स कर दूंगी इसको और ढक्कन ढककर
इसको 8 मिनट तक कुक करूंगी। हम ढक्कन निकाल कर चेक कर लेंगे, चिकन को ज़्यादा कुक नहीं करेंगे क्योंकि चिकन जल्दी गल जाता है। यहाँ देखें हमने अच्छे से इसको कुक कर लिया है, चिकन देखिए अच्छे से गल चुका है, ये 70-80% कुक हो गया है, बहुत जल्दी गल जाता है चिकन। तो इसके बाद ये चावल के साथ कुक होगा, तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ चावल जो कि मैंने भिगा कर रखे थे, चावल इसमें डाल रही हूँ मैं। मिक्स करने के बाद इसमें मैं इस ग्लास से 4 ग्लास जितना पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने चावल को आधा घंटा पहले भिगा कर रखे थे, ये बासमती राइस है, तो मैं 4 ग्लास पानी इसमें ऐड कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से इसमें पानी एडजस्ट करें। तो पानी मैंने ऐड कर दिया है, एक बार मैं इसको मिक्स कर दूंगी। चिकन भी इसमें अच्छे से गल जाएगा, ऑलरेडी कुक हो चुका है और जितना भी है वो भी अच्छे से कुक हो जाएगा, हमें ओवर कुक नहीं करना है, तो आप ये ध्यान रखें। अभी मैं फ्लेम हाई कर दूंगी और इसका लिड ढककर इसको कुक होने दूंगी। यहाँ देखें इसमें पानी कम हो चुका है, तो अभी फ्लेम मैं मीडियम पर रख दूंगी। तो फिर से हम मीडियम फ्लेम रखकर इसको कुक करेंगे ढक्कन ढककर। यहाँ देखिए इसमें पानी कम हो चुका है, ये 95% तक कुक हो चुकी है। तो इसमें हरा धनिया और मैं टमाटर के स्लाइसेस रख रही हूँ, आप चाहे रखें या ना रखें। तो इसमें फ्राई की हुई अनियंस डालकर इसका लिड लगाकर मैं इसको अब बिल्कुल लो फ्लेम पर रखकर इसको दम दे रही हूँ। यहाँ देखिए ये दम हो चुकी है और हमारा पुलाव बनकर रेडी है। आपकी मर्जी है, अगर आप टमाटर पसंद करते हो तो डालें या वरना ना डालें। तो हमारा बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त पुलाव बनकर रेडी है, अभी हम इसको डिश आउट कर देंगे। तो आज की ये रेसिपी हमारा ज़बरदस्त पुलाव बनकर रेडी है, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान प्रोसेस मैंने आपको दिखाया है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। आज की रेसिपी आपको किस तरह लगी है मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं, अपने फ्रेंड्स फैमिली रिश्तेदार सबके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रेसिपी।